नमस्कार दोस्तों, फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रोफेसर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे फैंटेसी टिप्स एंड बेस्ट ड्रीम इलेवन कॉम्बिनेशन फॉर लोकोमोटिव मॉस्को वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड। चैंपियंस लीग का ये मैच आज रात में 10:30 बजे से है। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये ग्रुप ए का मैच है। एथलेटिको सेकेंड पोजिशन पर है 3 पॉइंट्स के साथ, लोकोमोटिव मॉस्को थर्ड पोजिशन पर है 1 पॉइंट के साथ। अब तक एथलेटिको ने 6 गोल्स कंसीड करे हैं, लोकोमोटिव ने 4 और दोनों टीम्स ने 3-3 गोल्स अब तक स्कोर करे हैं। दोनों टीम्स के पिछले 5 गेम की परफॉर्मेंस देखोगे अगर आप दोस्तों, तो आप समझ जाओगे कि लोकोमोटिव मॉस्को ने साल्ज़बर्ग के अगेंस्ट 2-1 ड्रॉ करा था और बायर्न म्यूनिख के सामने काफी क्लोज आ गए थे, बट इनको 2-1 से हारना पड़ा। हम एथलेटिको की बात करें तो बायर्न के अगेंस्ट 4-0 हारी थी, जो काफी झटके वाली हार थी इनके लिए, बट साल्ज़बर्ग के अगेंस्ट इन्होंने बढ़िया कमबैक किया, 3-2 से जीते हैं। और अब पिछले 5 मैचेस में से ये 4 में जीते हैं और 2 में क्लीन शीट भी रखी है। कुल मिला के इन 4 गेम्स के दरमियान, अगर आप मान लो ये हार वाली अगर गेम हटा दो जहाँ 4-0 से हारे थे, तो इन 4 गेम्स में जहाँ ये जीते हैं वहां इन्होंने 10 गोल मारे हैं, स्कोर किए हैं। और आप ऑब्जर्व करते हैं दोस्तों, हर मैच में एटलीस्ट 2 गोल्स तो स्कोर करे ही करे हैं एथलेटिको ने। लोकोमोटिव मॉस्को की बात करें तो लगातार 3 मैचेस हारे हैं ये और 2-1 वाली स्कोर लाइन से ही हारे हैं। आज की गेम में हम किस तरीके से इसको अप्रोच करेंगे वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि क्या हमारा ट्रेंड देखा है हमने, क्या हम स्कोर लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। किस स्टार्ट की बात करें तो लोकोमोटिव मॉस्को ने पिछले 7 मैचेस में चैंपियंस लीग में हर मैच में एटलीस्ट 2 गोल्स तो कंसीड करे ही करें। तो चलो दोस्तों, ये एक ट्रेंड हमें नजर आ रहा है कि इस पर्टिकुलर गेम में भी एटलीस्ट 2 गोल्स तो स्कोर होने चाहिए एथलेटिको की तरफ से। एथलेटिको ने भी पिछले 5 मैचेस में लोकोमोटिव मॉस्को के अगेंस्ट 2 गोल तो मारे ही मारे हैं। वन मोर रीअफर्मेशन कि इस पर्टिकुलर गेम में 2 गोल्स आने की संभावना काफी ज्यादा है। एथलेटिको ने पिछले 3 मैचेस में चैंपियंस लीग में एटलीस्ट 2 गोल्स कंसीड करे हैं दोस्तों, याद रखना, एटलीस्ट 2 गोल्स कंसीड करे हैं। तो इस पर्टिकुलर गेम में भी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद लोकोमोटिव मॉस्को का 1 गोल तो आएगा ही आएगा, मतलब दोनों तरफ से क्लीन शीट आने की संभावना थोड़ी सी कम है। और इसीलिए हम जो स्कोर लाइन एक्सपेक्ट करेंगे वो 2-1 या 3-1 काइंड ऑफ अ स्कोर लाइन होगी इन फेवर ऑफ एथलेटिको मैड्रिड। फाइनली लोकोमोटिव मॉस्को पिछले 7 मैचेस में से 6 मैचेस में हारा है चैंपियंस लीग में। तो दोस्तों, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग स्टैट्स और एनालिसिस के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्री चैनल है, आप यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रोफेसर टाइप करना, स्पेलिंग मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ के ये सारे बेनिफिट्स पा सकते हैं। यदि आपको अब तक का वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, तो प्लीज फटाफट लाइक बटन दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन से हमें काफी मोटिवेशन मिल जाती है और उम्दा कॉन्टेंट बनाने के लिए। एक्सपेक्टेड रन की बात करें तो लोकोमोटिव मॉस्को की तरफ से वैसे कोई इंजरीज या मिसिंग है नहीं। लुइस ऊपर की तरफ से खेलेंगे, मिरांचुक और स्मोलोव ये दोनों इनको सपोर्ट करेंगे। दोनों ही बहुत उम्दा प्लेयर हैं मिरांचुक और स्मोलोव, और इनको आप हमारी टीम में भी जरूर पाओगे। एथलेटिको की बात करें तो 4-4-2 फॉर्मेशन में उतरेगी, जहां सुआरेस और फेलिक्स दोनों ऊपर की तरफ खेलेंगे। सुआरेस को वीकेंड पे रेस्ट भी मिला है, तो ओवरऑल काफी फ्रेश रहेंगे इस पर्टिकुलर गेम में। कोरिया, लॉरेंट, टोरेरा और कोके ये 4 लोग मिडफील्ड से सपोर्ट करेंगे। की प्लेयर्स जो इनके लिए मिसिंग है, साउल निग्वेस शायद इस गेम में खेले ना खेले किसी को पता नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क रहेगा, इसीलिए लाइनअप ऑब्जर्व करना दोस्तों, क्योंकि अगर निग्वेस खेलते हैं तो काफी पॉसिबिलिटी है कि वो हमारी टीम में आ जाएंगे। डिएगो कोस्टा बाहर नहीं अवेलेबल है, रसाल्ज को नहीं अवेलेबल है, और यानिक करास्को भी इस पर्टिकुलर गेम के लिए अवेलेबल नहीं है। तो की प्लेयर्स की बात करें दोस्तों, तो लोकोमोटिव की तरफ से मैंने कहा था स्मोलोव और मिरांचुक दोनों की प्लेयर्स हैं। स्मोलोव ने 3 गोल मारे हैं अब तक 11 गेम में, मिरांचुक ने 12 गेम में 2 गोल 3 असिस्ट, काफी क्रिटिकल हैं ये लोकोमोटिव मॉस्को के फॉर्चून्स के लिए, और इस पर्टिकुलर गेम में भी हम कोशिश करेंगे इनको हमारी टीम में लेने की। एथलेटिको मैड्रिड की बात करें, सुआरेस और फेलिक्स ये दोनों अवेलेबल हैं। सुआरेस ने 4 गोल 1 असिस्ट मारे हैं अब तक, फेलिक्स ने 3 गोल 1 असिस्ट दिए, लॉरेंट के 2 गोल 1 असिस्ट हैं और कोरिया के 1 गोल 3 असिस्ट हैं। ये 4 प्लेयर्स दोस्तों आपकी टीम में होने ही होने चाहिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं इस पर्टिकुलर गेम के पर्सपेक्टिव से, और इनका आप देख सकते हो कि कैसा इंपैक्ट हो सकता है आपकी टीम में। तो सजेस्टेड ड्रीम इलेवन टीम की बात करें तो हमने क्या किया है, ऊपर की तरफ सुआरेस, फेलिक्स, स्मोलोव इन 3 प्लेयर्स को लिया हुआ है, बिकॉज जैसे मैं कह रहा था, यदि दोनों साइड से अगर गोल्स पड़ते हैं, जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये 2-1 या 3-1 काइंड ऑफ अ स्कोर लाइन होगी, इस क्यों होगी इसके मैंने आपको सारी रीजंस की स्टैट के अंदर दिए हैं, तो यदि आपने नहीं देखा है तो फटाफट आप वहां जाके एक बार फिर से देख लेना। तो 3-1 काइंड ऑफ अ स्कोर लाइन या 2-1 काइंड ऑफ अ स्कोर लाइन होगी,
तो सुआरेस फेलिक्स मोलो पक्का इन्वॉल्व होंगे, इसीलिए ये टॉप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पिक्स भी है और हमने इनको ऊपर की तरफ पिक किया है। मिडफील्ड में लॉरेंट, कोरिया और मिरांचुक, अगेन थ्री वेरी वेरी क्रिटिकल प्लेयर्स, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, और ये छह प्लेयर्स हमारा अटैकिंग कोर बनेंगे इस पर्टिकुलर गेम के लिए। और इसमें से लॉरेंट और मिरांचुक दोनों कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी वर्दी ऑप्शन है, मिरांचुक स्पेशली ग्रैंड लीग टीम के परस्पेक्टिव से। डिफेंस में हमने क्या किया, मार्जिनाटो और सर्क्लेरा ये दोनों प्लेयर्स को हमने लिया हुआ है मॉस्को की तरफ से, और हमने एथलेटिको से लिया है लोडी, साविच और त्रिपियर। दोस्तों अब मान लो कि गलती से लोकोमोटिव ने स्कोर करने से फेल कर दिया, तो एटलीस्ट हमारे पास एथलेटिको के तीन डिफेंडर्स रहेंगे जो कि क्लीन शीट के पॉइंट दे सकते हैं। और इसी तरह से हमने हमारी टीम को 4-3-3 वाली फॉर्मेशन में सेटअप करा है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी सैंपल टीम है, फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम आपको डेडलाइन से 10-20 मिनट्स पहले हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो प्लीज़ हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, फ्री चैनल है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आपका लिंक के थ्रू काम नहीं बनता है तो आप यहाँ दिए हुए स्पेलिंग फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रोफेसर टेलीग्राम ऐप में सर्च कर सकते हो और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम जल्द मिलेंगे आपसे कई और फुटबॉल और क्रिकेट गेम्स की एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।